दोस्तों, दुनिया भर में अपनी सर्प सेवा से अनोखे विश्व विक्रम प्रस्थापित करने वाली सर्प मित्र वनिता बुराड़े आज यहाँ पर सांप छोड़ने के लिए जंगल में आ चुके हैं। दोस्तों, इनके हाथ में हम लोग देख रहे हैं बिन जहरीला सर्प जिसका नाम है धामिन सांप। पहली महिला सर्प रक्षक वनिता जी बुराड़े, जिन्होंने लोगों के घर बस्ती से पकड़े हुए ये बहुत सारे सांप यहाँ पर छोड़ने के लिए लाए हैं। आज लोग हम है मेकर तहसील के घाटबोरी वन परिक्षेत्र जंगल में, जहाँ पर सर्प मित्र वनिता जी हमेशा पकड़े हुए सांपों को लाकर छोड़ती है। दोस्तों, ये किसानों का मित्र है, बिन जहरीला सांप है, बहुत ही सुंदर सांप है और एक साथ हमको ये तीन सांप देखने का सौभाग्य मिल रहा है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर सांप और इनको पर्यावरण की इस नैसर्गिक वसुंधरा में, इनके नैसर्गिक अधिवास में छोड़ा जा रहा है। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं सर्प मित्र वनिता जी को, बहुत ही खास नज़ारा, एक बहुत ही सुंदर दृश्य। तो सर्प मित्र वनिता जी यहाँ पर जंगल में सांप छोड़ने के लिए आए हैं। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं उनके हाथ में बहुत सारे ढेर सारे सांप है, जहरीले है, बिन जहरीले है, लोगों के घर बस्ती से पकड़े हुए हैं और हमेशा का रूटीन मैडम जी का, पकड़े गए सभी सांपों को जंगल में छोड़ना और वही बात हो रही। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं बहुत ही सुंदर सांपों को इनके हाथों द्वारा छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सांप, धीरे 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 सांप बाहर आने की कोशिश में। बस बस बस, देखिए एक ही प्रजाति के दो सांप है, एक जो है बिल्कुल येलोविश कलर का है और उसके आंख पर की डिजाइन हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दोस्तों, फार जरा स्पीड वाढ तुझा, फार जरा चालला जा परत पुढे। Gracias.
फसल है बस मैडम दो क्या रोज़ तुमसे छोड़ोगा? हाँ दस छोड़ो कार्तिक तो पाइप वाइप करे नाही घ्या स्टिक करून जातून तुम्हाला एकदम शॉर्ट मिळतून चांगला घ्या नसतो संधी नाही दिली मग अशी चलो हाँ बाजू ला हाँ घर पर नमस्ते दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध लोणार सरोवर का अभिन्न अंग होने वाले दुर्गा टेकड़ी वनारण्य परिसर में हम लोग आज खड़े हैं। यहाँ पर सर्प मित्र वनिता जी द्वारा धामिन सांप के ऊपर सर्प प्रबोधन का एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ, जिसके तहत यहाँ किसानों को और बहुत सारे श्रद्धालुओं को भाविकों को धामिन सांप की जानकारी दी गई। दोस्तों यह परिसर खास करके अगर हमारा लोनार का सरोवर विश्व का मुगुट है तो इस मुगुट का मणि है दुर्गा टेकड़ी। यह दुर्गा टेकड़ी वनारण्य परिसर एक वन तपस्वी ने अपनी मेहनत से बनाया है। दोस्तों इस परिसर को बनाने के लिए उन्होंने अपने आयुष्य के 30 साल जो है यहाँ पर व्यतीत किए हैं। कुंडली दादा मापारी जी ने अपने हाथ से पेड़ पौधों को लगाकर यह वनारण्य परिसर की निर्मिति की। अनगिनत
वन्य प्राणियों को यहाँ आश्रित किया है। यहाँ पर सृष्टि का संतुलन और प्राणियों का अधिवास सुरक्षित रहने के हेतु उन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधों को बचा के रखाया है, अपने हाथ से इस अभयारण्य को संजोया है। उन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम रखा था दुर्गा देवी मंदिर में सर्प प्रबोधन का। पुंडलिक दादा मापारी जी द्वारा निर्मित यह दुर्गा टेकड़ी परिसर और यहाँ अनगिनत पशु पक्षी पंछियों के साथ आज सांप छोड़े जा रहे हैं दोस्तों। यह परिसर केवल धार्मिक परिसर नहीं है, तो इसमें वन्य और वन्य जीवों के बारे में भी जन जागृति की जाती है। प्रदूषण नियंत्रण और वातावरण की शुद्धता के लिए खुद पुंडलिक दादाजी मापारी जी ने अपना पूरा आयुष्य यहाँ व्यतीत किया है। ये एक मानव निर्मित जंगल है, जिस जंगल में हमारे नैसर्गिक जंगल से भी कई गुना ज़्यादा पेड़ पौधे पशु पक्षी औषधि वृक्ष और बहुत सारी सृष्टि की महत्वपूर्ण जड़ी बूटी वाली वनस्पति यहाँ सुरक्षित की गई है। और ये वन संपदा का रक्षण करने हेतु जिन्होंने अपने हाथ से इस दुर्गा टेकड़ी के परिसर में एक भी पेड़ नहीं था पौधा नहीं था, पिछले 30 सालों से लगातार यहाँ खुद झोपड़ी बनाकर हमारे दादाजी यहाँ रहे, अपने सिर पर पानी लाकर उन्होंने पेड़ के पौधे के मूल में वो पानी सिंजोया, जिससे आज यह अभयारण्य निर्माण हुआ है। दोस्तों अपने लगातार प्रयास त्याग और अविश्रांत परिश्रम से जिन्होंने अपने हाथों से इस जंगल को बनाया, वो हमारे पुंडलिक दादा मापारी जी ने आज यहाँ सर्प प्रबोधन का कार्यक्रम लेकर यहाँ पर सांपों को गोद लिया है और हम कुछ बिन जहरीले धामिन सांप इस परिसर में, इस परिसर का जो नैसर्गिक वातावरण है वो संतुलित और नियंत्रित होने के हेतु छोड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं सर्पमित्र वनिता जी, वन तपस्वी वन महर्षि पुंडलिक दादा मापारी जी द्वारा निर्मित यह दुर्गा टेकड़ी परिसर और यहाँ अनगिनत पशु पक्षी पंछियों के साथ आज सांप छोड़े जा रहे हैं दोस्तों। पौधे पशु पक्षी औषधि वृक्ष और बहुत सारी सृष्टि की महत्वपूर्ण जड़ी बूटी वाली वनस्पति यहाँ सुरक्षित की गई है। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं ये दुर्गा टेकड़ी का शिखर परिसर है, जहाँ के टॉप में शिखर पर यहाँ दादाजी ने एक छोटा सा झोपड़ा बनाया है और पुंडलिक दादाजी मापारी द्वारा निर्मित और संरक्षित यह जंगल और इस जंगल के सुरक्षा हेतु छोड़े गए इस सांप को हम लोग देख रहे हैं। सर्पमित्र वनिता जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पर दाखिल हुई और उन्होंने दिन भर में यह सर्प प्रबोधन करके श्रद्धालुओं का भाविकों का मार्गदर्शन किया और अपने पास के सभी सांप इस जंगल में छोड़ दिए। मापारी जी को इस कार्य के लिए प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ।